एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम आपकी डेस्टिनी रीडिंग करेंगे। हम देखेंगे आपके किस्मत में ऐसी कौन सी चीज़ें लिखी हुई हैं जो बहुत जल्द घटित होने वाली है, ठीक है। सो आपकी डेस्टिनी आपके लिए क्या लेकर आ रही है, क्या फॉर्च्यून्स आपको मिलेंगे, ये सब आज हम देखेंगे। तो आज आपको अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली एक ब्रेसलेट चूज़ करना है। आज हमारे पास दो ब्रेसलेट अवेलेबल हैं। अगर आपके नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस गोल्डन ब्रेसलेट को चूज़ करना है, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको ये प्रिंक ब्रेसलेट को चूज़ करना है, ठीक है। ये है ए टू एम, ये है एन टू जेड। तो आप अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिए। ये पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, जिसका मतलब है कि आप इस प्रेडिक्शन को जब भी देखोगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है। सो पेड रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे, बाथ सॉल्ट्स, या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस या ऑनलाइन कैंडल क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन हैं और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर वन, अगर आपके नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में आता है और आपने इस गोल्डन ब्रेसलेट को चूज़ करा है तो हम देख लेंगे कि आपके किस्मत में क्या लिखा है जो बहुत जल्द होने वाला है। आपका लक आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स या बाकी चीज़ों के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have page of arrows, we have the journey, we have the wheel, okay। So देख लेते हैं आपकी डेस्टिनी आपके लिए क्या लेकर आ रही है। सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि एक बहुत बड़ा बदलाव, एक टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ का कह सकते हो, बहुत जल्द मिलने वाला है, ठीक है। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ का आने वाला है जो अब तक आपके लाइफ में नहीं आया है। तो सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट आप इसे समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लाइफ में हमेशा चीज़ें अनफुलफिल्ड रह जाती हैं, ठीक है। आप चाहते हो, मेहनत करते हो, हौसला नहीं छोड़ते हो, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि जितना आपको मिलना चाहिए, जितना रिजल्ट आपको दिखना चाहिए, उसका 10% हमेशा आपको नसीब होता है, ठीक है। तो आपको हमेशा ऐसा फील होता है कि इनजस्टिस आपके लाइफ के साथ हुआ है, करियर में भी, लव लाइफ में भी, पैसों के मामले में भी, हर एक चीज़ में आपको अधूरापन नज़र आता है। लेकिन आप कभी हौसला नहीं छोड़ते हो, हमेशा डटे रहते हो, आप उम्मीद में रहते हो कि आज नहीं तो कल कभी तो होगा वो चीज़, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते मुझे लग रहा है कि आज तक भी आप होपफुल हो कि आपकी किस्मत कभी आपके लिए रंग लाएगी, ठीक है। हालांकि सिचुएशंस आपके लाइफ के, एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ के ऐसे हो गए हैं कि आप, मतलब आपको लगता है कि उम्मीद रखना भी बेकार है, बट स्टिल आप होप रखते हो कि अगर लेट से भी लाइफ में तरक्की हो या कुछ अच्छा हो तो वो भी ठीक है, बट कुछ तो हो जाए, ठीक है, और होगा ज़रूर, ऐसा आपको फील होता है। तो वही जो होगा ज़रूर वाली फीलिंग आपकी है वो सच में बदलेगी अब बहुत ही जल्द, ठीक है। अब से लेके 13 हफ्ते गिन लीजिए। 13 हफ्ते मतलब हो गया आपका ये 4 हफ्ता, 1 महीना, 4 हफ्ता, 4 4 8 और इधर 12, 3 साढ़े 3 महीनों के बाद से आपके लाइफ में अलग ही लेवल की तरक्की शुरू हो जाएगी। कोई बड़ा
चमत्कार होगा, कोई बड़ा जॉब लग सकता है आपको, कोई बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट में काम करने का मौका, ठीक है, या कोई बड़े जगह में आपका अचीवमेंट, किसी चीज़ में जीतना, किसी चीज़ में रिजल्ट आपके फेवर में आना, कोई कंपटीशन जीतना, इस तरीके की टेंडेंसीज दिख रही है, ठीक है। लक आपका फेवर करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। 13 हफ्ते बाद से आपकी ज़िंदगी अलग मोड़ लेगी, एक नया चैप्टर, नया अध्याय आपके ज़िंदगी का शुरू होगा, मार्क माय वर्ड्स अगेन, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अब तक आपके ज़िंदगी में चंद्रमा की कृपा थी, सूर्य की कृपा नहीं हो पा रही थी, जिसके वजह से आप लाइफ में चीज़ों को अच्छे से कर तो पा रहे हो, धर्म के रास्ते पर तो हो, लेकिन सक्सेस उसमें नज़र नहीं आता था। तो अब सूर्य की कृपा होगी आपके लाइफ में, ठीक है, और जब सूर्य जी की कृपा होती है तो इंसान अलग लेवल का नेम फेम सक्सेस पा जाता है, वो भी रातों रात, ठीक है। तो सूर्य जी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है, ये चीज़ तो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। तो आपका स्ट्रगल पीरियड देखिए, स्ट्रगल एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ टाइम इंसान को करनी होती है, ठीक है, लेकिन स्ट्रगल में अगर आपको सक्सेस दिखे तो आपको मज़ा आता है कि चलो ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें फल भी तो मिल रहा है। तो आपका जो स्ट्रगल पीरियड है, जिसमें कोई रिजल्ट नहीं था एज सच, जिसमें कोई तरक्की नहीं थी, कोई ग्रोथ नहीं था, वो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। तो आपकी किस्मत आपके फेवर में बहुत वर्क करने वाली है, ठीक है, ये चीज़। तो कोई भी अगर ड्रीम देख रहे हो या कोई आपका गोल है ना, तो उसे क्विट मत करना। अगर आपको डिफ़िकल्ट भी लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, आप डटे रहो उस मेहनत पे, उस काम पे, उस आइडिया पे, उस थॉट पे, उस वर्क पे, उस स्टडी पे, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप डटे रहो, आपको डेफिनेटली तरक्की मिलेगी और बहुत ईजीली मिलेगी। आपको बस 13 हफ्ता यानी कि 3-3.5 महीना थोड़ा और वेट करना है, ठीक है, जब भी आप इस रीडिंग को देखो उससे आप गिन सकते हो। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। We have Healer of the Ages, number 51. The Thinking Man, number 46. ज़िंदगी में बाधाओं से मुक्ति। आपके ज़िंदगी का एक बहुत बुरा वक्त, बहुत बुरा फेज़ चल रहा था, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, जहाँ पे यूनिवर्स आपकी टेस्ट ले रहे थे, ठीक है, आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक डेथ्स आप पूरे कर रहे थे, ठीक है। जैसे बहुत बार होता है ना कि हम सोचते हैं कि हम इस लाइफ टाइम में तो बहुत अच्छे हैं, हमारे कर्म बहुत साफ़ हैं, बट हमारे साथ सब कुछ बुरा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो वो इस वजह से होता है क्योंकि पास्ट के जो कर्मा होते हैं, पिछले जन्म के कर्मा, वो हो सकता है हमारे बुरे रहे हों, ठीक है, क्योंकि हम जिस फैमिली में जन्म लेते हैं, हमारे माँ बाप जैसे होते हैं, हमारा भाई, हमारे भाई बहन जैसे होते हैं, वो भी हमारा पास्ट लाइफ का कर्मा निर्धारित करता है, ठीक है। तो वही मुझे दिख रहा है कि अब तक आपका एक टेस्टिंग वाला फेज था, आपको अपने कर्ज चुकाने थे जो आपने अब चुका दिए हैं, ऑलमोस्ट 3-3.5 महीने के बाद से अब आपके सपने पूरे होते हुए आपको नज़र आएंगे, गारंटीड। जो भी सपने हैं, जो भी सपना आप देखते हो, आप अपने लाइफ को देखते हो कि आपकी लाइफ इस मुकाम पे जाए या आपको इस तरीके का पहचान मिले, उस तरीके का पहचान मिलने के लिए आपकी जो विनोस पाथ पे चलने की शुरुआत आपकी हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि डेस्टिनी में आप बहुत सारी मैजिकल एंड अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में लिखी है, अब तक जिन चीज़ों का रिवॉर्ड्स आपको नहीं मिल पाया वो रातों रात आपको मिल जाएगा, कर्मों का फल, बेसिकली जो अच्छे कर्म का फल आपको अभी तक नहीं मिला है वो रातों रात सडनली आपको मिलेगा, एंड आप शॉक हो जाओगे कि कैसे आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होगी, ठीक है, मतलब अलग ही आप फील कर पाओगे कि आपकी पुरानी लाइफ अब पुरानी नहीं रही, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। सो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ सक्सेस, नेम फेम आपका नज़र आ रहा है बहुत ही जल्द। सो बी कंसिस्टेंट, अपने कर्म को और भी अच्छा रखो, केयर करो अपने फैमिली की, या अगर आप किसी को प्यार करते हो तो अपने लवर की, अपने काम पे ध्यान दो, फोकस रहो, उल्टे सीधे एडिक्शन से दूर रहो, माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है, अच्छा सोच विचार रखो, लोगों के लिए अच्छा बोलो, खुद के लिए अच्छा सोचो, ठीक है, एंड धर्म के रास्ते पर चलते रहो, डेफिनेटली और आपको ज़्यादा ज़िंदगी में पड़ाव पार करना नहीं पड़ेंगे, और अब से जो भी काम करोगे वो आपका काम बहुत जल्दी जल्दी बनने लगेगा। तो अभी भी आपका वक्त है कि अगर आप लाइफ में बहुत टायर्ड, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो या फील कर रहे हो कि यार हमने बहुत ट्राई कर लिया ना, अब क्या ही हो पाएगा हमसे, तो अब से सोचना शुरू करो कि क्या क्या और हो सकता है,
क्योंकि ये आपका बहुत मैजिकल एंड एक्टिवेशन वाला टाइम है, तो इस टाइम में जो भी काम करना चाहोगे डेफिनेटली बन जाएगा मेहनत करोगे तो इस पर आप ज़रूर फोकस करना। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप वन। हेलो ग्रुप नंबर टू, अगर आपके नाम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है और आपने पिंक ब्रेसलेट को चूज़ करा है, तो देख लेते हैं कि आपके किस्मत में क्या लिखा है जो बहुत जल्द होने वाला है, आपका लक आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए हैं, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, बाकी सर्विसेज के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए, जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए एंड पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। सो लेट्स सी कि आपके भाग्य में क्या लिखा है जो आने वाले वक्त से अब होके ही रहेगा। We have 10 of vessels, we have page of vessels, we have ace of vessels. Can you see it guys? I mean vessels and vessels. Wow. Okay. देखिए, मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि आप लाइफ में चाहे कुछ भी कर लो, करियर में करो, लव लाइफ में आप आगे बढ़ो, अपने ओवरऑल लाइफ में आगे बढ़ो, आपके मन में एक हमेशा अस्थिरता रही है, मन में सुकून की कमी आपकी हमेशा बनी है। ठीक है, आपको ऐसा दिखा है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो उसमें आपका दिल लग रहा है लेकिन सडनली उसमें आपको ग्रोथ नज़र नहीं आती, चीज़ें रुक जाती है, स्टैगनेंट हो जाती है और फिर आप टेंशन में आ जाते हो, फिर आपकी मन की शांति गायब हो जाती है, फिर उस काम पे आपका मन लगना बंद कर देता है। रिलेशनशिप में भी किसी इंसान को आप डेट करना स्टार्ट करते हो, उनके साथ इनिशियली चीज़ें बहुत अच्छी होती है, आपको लगता है कि आपका जीवन साथी आपको मिल गया है, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर आपको जब असलियत दिखने लगती है तो फिर आपका मन अशांत हो जाता है कि जो आपने सोचा था वो झूठ है और ये इंसान आपके सच्चे प्यार नहीं है या इनके साथ चीज़ें आपकी नहीं हो सकती, तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हो और इसी तरीके की लूप में आपकी ज़िंदगी चली जा रही है जहाँ पे आपके मन की अस्थिरता बहुत ज़्यादा है। आप अपने लाइफ के इमोशनल चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, आपको ऐसा लगता है कि इमोशनली यू आर नॉट इन अ हैप्पी प्लेस एंड इमोशनली यू आर नॉट डूइंग गुड। ठीक है, एंड इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए कोई चीज़ें आपको फेवर भी नहीं कर रही है, ना आपका वर्क, ना आपके फ्रेंड्स, ना आपके लवर, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो कहीं ना कहीं इमोशनली आप हमेशा नाखुश रहते हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हो, आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, यू फील लाइक कि आपको समझने वाला कोई नहीं है। इस तरीके की टेंडेंसी आपका कहीं ना कहीं मुझे बचपन से चलता हुआ नज़र आ रहा है और अभी एडल्ट फेज़ में आपका कहीं ना कहीं ये चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। ठीक है, 2x 3x हो गई हैं। तो आपके किस्मत में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ऐसी इवेंट्स, ऐसी चीज़ें अब आने वाले वक्त पे होगी जो आपको पैसा दे ना दे, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, आपको मन की शांति, आपको मन का सुकून, इमोशनल स्टेबिलिटी देगी। ठीक है, एंड मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका मन का शांति है। आप चाहते हो कि अगर आपको पैसा थोड़ा कम भी मिले तो भी चलेगा, लेकिन दिल आपका खुश रहना चाहिए हमेशा, दिल में कोई पेन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपकी स्टेबिलिटी, आपके वर्क लाइफ में स्टेबिलिटी, आपके लव लाइफ में स्टेबिलिटी, आपके फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइप का लाइफ जीना है, एक पर्टिकुलर टाइप का घर चाहिए या फैमिली के साथ रहना है, पेट्स पालने हैं, एक ट्रू लवर को ढूंढना है, तो आप चाहते हो कि आपका लाइफ एक सिस्टमैटिक वे में हो जैसा आपने ड्रीम करा है एंड उसकी तलाश में आप कहीं ना कहीं उसके खोज में आप लगे रहते हो बट कुछ भी हाथ लगता नहीं है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि सर्चिंग वाला जो आपका पीरियड है वो ख़त्म होने वाला है एंड डेस्टिनी आपको खुद दिखा देगी हाथ पकड़ के कि ये देखो, ये तुम्हें मन की खुशी देगा, इस तरफ जाओ या इस इंसान को चूज़ करो या उस इंसान को खुद आपके लाइफ में भेज देंगे कि इसे प्यार करो, इन्हें मौका दो, ये इंसान आपको संभालेंगे। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इमोशनल स्टेबिलिटी, ठीक है, आपकी किस्मत में अब होने वाली है, जिससे आप देखोगे कि आपको आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में एंट्री चांसेस हैं, जो काम कर रहे हो उसमें जिस तरीके का ग्रोथ चाहते हो वो देखने को मिलेगा,
मन की शांति, फैमिली के साथ डिस्प्यूट्स हैं या मैरिड लाइफ में इश्यूज हैं वो ठीक होता हुआ नज़र आएगा। किसी के साथ रिश्ते में हूँ, सामने वाला लवर जो है वो ढंग से नहीं रह रहा है आपके साथ, वो इंसान आपको आउट ऑफ नोवेयर समझने लगेंगे, प्यार करने लगेंगे, पैम्पर करने लगेंगे, केयर करने लगेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे यहाँ दिख रहे हैं फ्रेंड्स आपके बनेंगे। अगर आप लाइफ में बहुत अकेले हो, सडनली यू विल नोटिस कि आपके दोस्त बन रहे हैं, आपका सोशलाइजिंग एनर्जी बढ़ रहा है, ठीक है। तो फ्लो आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। इमोशनल बिगनिंग्स, इमोशनल स्टेबिलिटी, ऐसे इवेंट्स होंगे जो आपको दिल से खुश करेंगे, ठीक है। और आपका जो सर्चिंग वाला एनर्जी है कि मुझे ढूंढना है कहाँ मिलेगा मुझे सुकून, कहाँ मिलेगा मुझे प्यार, कहाँ मिलेगा मेरी मन की शांति, वो सर्च आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत जल्दी खुद का घर ले पाओगे, कहीं बाहर सेटल होना है वो कर पाओगे, कहीं ट्रैवल करना है वो कर पाओगे, मतलब चीज़ें आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी करना। अभी हो सकता है कि आपका बकेट लिस्ट बहुत बढ़ता जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, चीज़ें हैं अफोर्ड कर सकता हूँ कर सकती हूँ, बट मन की शांति नहीं होती है, कोई सपोर्ट नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, लवर नहीं है जिसके साथ मैं चिल करूँ, घूमूँ फिरूँ, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स फिक्स होंगे। जो चीज़ें अभी आपको डिफ़िकल्ट लग रही है वो आपको बहुत ईजी टू डू लगेंगे, ठीक है। और मन की शांति रहेगी तो आप ओवरऑल सब कुछ कर पाओगे। तो आपकी डेस्टिनी कहीं ना कहीं आपके मन में स्थिरता, आपके मन में खुशियाँ लेकर आएंगी, एंड अलग अलग मल्टीपल इवेंट्स के थ्रू, ठीक है। अभी अलग अलग कोई भी इवेंट्स हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आप मैरिड हो तो आप, हो सकता है गुड न्यूज़ मिले आपको, ठीक है, बेबी आए आपका, ये भी पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए आप पेट अडॉप्ट कर पाओ, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ट्रू लवर की दस्तक ज़िंदगी में, या किसी के साथ अगर ऑलरेडी रिश्ते में हो, उस इंसान को आपसे प्यार नहीं है या वो इंसान आपको लेकर कैजुअल है, आउट ऑफ नोवेयर वो इंसान रियलाइज़ करेंगे एंड सडनली आपके प्यार में पड़ जाएंगे, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। ये सब आपके किस्मत में होगा, ठीक है, क्योंकि आपके किस्मत में है सारी चीज़ें, लेकिन आपको ना समय के पहले चाहिए, ये चीज़ मुझे दिख रही है। जो चीज़ आपका 30 साल में लिखा है वो आपको 15 साल में चाहिए, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो आप समय के पहले सब चाहते हो कि मुझे जल्दी जल्दी मिल जाए भाई, ठीक है, मुझे मुझसे वेट ना होगा। ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3, देखिए 3 जो है ना वो बहुत लकी नंबर है, ठीक है, और आपके लिए ग्रुप नंबर 2 तो सबसे ज़्यादा लकी नंबर मुझे 3 नज़र आ रहा है। तो अबंडेंस आपके लाइफ में आएगा, ठीक है, अलग अलग रूप में आएगा, अलग अलग तरीक़ों से आएगा, ठीक है, छोटे 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 बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे अबंडेंस आएंगे, ठीक है। सक्सेस का, पैसे का दरवाज़ा खुलेगा बहुत सारा, प्यार मिलेगा, न्यू दोस्त मिलेंगे, फैन फॉलोइंग बढ़ेगी आपकी, वेल विशर्स मिलेंगे आपको, लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे, लोग आपके काम को प्रेस करेंगे, लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहेंगे। सो हमेशा बिजी फील करोगे। अब तक आपने अगर अकेले की लाइफ जी है, बोरिंग लाइफ जी है, अनस्टेबल लाइफ जी है, अब से आप समझ लीजिए। और टाइमिंग भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, अक्टूबर के बाद से, और अगर ये टाइमलेस रीडिंग है, क्योंकि जब भी आप इसे देखो तो 4-5 महीने के बाद से धीरे 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 ना आप अपनी ग्रोथ को देख पाओगे, नोटिस कर पाओगे इंटरनली एक्सटर्नली, एंड चीज़ें आपकी बनती चली जाएगी, और इस तरीके से बनती चली जाएगी कि रुकेगी नहीं, ठीक है, रुकावट नहीं आएगी। अब जो स्टेगनेंसी, मतलब आपका ना चीज़ें रुकी हुई हैं, कोई ग्रोथ नहीं है आपके लाइफ में, टू बी ऑनेस्ट, रुक गई हैं चीज़ें एकदम, चल रही है तो चल रही है बस, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो अब आपका एक्सेलरेशन लाइफ का होगा डेस्टिनी में, और जब अब जब तरक्की करोगे, अब जो चीज़ें आपको मिलेगी मिलते रहेगी, गिफ्ट्स आपको मिलते रहेंगे, अबंडेंस आपको मिलती रहेगी। तो अपने आपको एकदम स्टेबल होपफुल एनर्जी में रखो, पॉजिटिव माइंडसेट में रहो, ठीक है, एंड रिसीविंग एनर्जी में आ जाओ कि यूनिवर्स कुछ अच्छा आपको देना चाहती है तो आप रेडी हो उस चीज़ को रिसीव करने के लिए, ठीक है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, ग्रुप 2।